भाजपा किसान मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर की धर्मपत्नी जगेश्वरी विधानसभा की हर जरूरतमंद जनता के विकास के लिए हमेशा कार्य करने वाली लोकप्रिय समाज सेविका ममता ठाकुर का जन्मदिन जगेश्वरी के श्री वैष्णव आश्रम ट्रस्ट के श्री राम मंदिर में बड़े ही धूमधाम से केक काटकर मनाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर धर्मेंद्र ठाकुर और बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा जगेश्वरी विधानसभा के महामंत्री शैलेंद्र त्रिपाठी ने उत्तर भारतीय सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बाटी चोखा का भोज भी रखा। तो यही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दर्जा प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा की खास मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मौजूद लोगों में जगेश्वरी विधानसभा के सैकड़ों प्रबुद्धजनों की भी मौजूदगी रही। तो ये कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने धर्मेंद्र ठाकुर और ममता ठाकुर द्वारा एक दशक से ज़्यादा जगेश्वरी विधानसभा की जनता की सेवा किए जाने की खूब प्रशंसा करते हुए कहा कि अब की बार हो रहे विधानसभा के चुनाव में जगेश्वरी की जनता धर्मेंद्र ठाकुर को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजेगी। कार्यक्रम के अंत में समाज सेविका ममता ठाकुर ने आए हुए सभी अतिथियों के प्रति विशेष आभार जताया। इस पर देखिए खबर इंडिया के संपादक रितेश पाठक की एक खास कवरेज। आजमगढ़ जौनपुर अपने अपने मिथिला में घूम आए,
यही जोगेश्वरी में बैठकर ये राम मंदिर अगर ना बना होता तो 92-93 के दंगे में जो लोग इस जगह से घूमते थे उनको पता होता कि उनकी हालत क्या हो रही है। मैं 92-93 में पत्रकारिता की शुरुआत किया था और मेरे पास पहला असाइनमेंट था जोगेश्वरी का धंधा, और वहां पर मैं इसी जगह से अपना कार्यक्रम जो शुरू किया था पत्रकारिता का कमलेश भाई, और आज देखता हूं तो चित्र बदला हुआ है। हम सब लोग जो यशोगान कर रहे हैं, एक राम मंदिर अयोध्या में बना, एक राम मंदिर जोगेश्वरी में बना, और अब अपने अपने दिलों में राम मंदिर बनाएं। धर्मेंद्र नाथ ठाकुर को खूब खूब आशीर्वाद दें, क्योंकि धर्मेंद्र के पास उनकी अपनी ममता है, और इसलिए उसमें से हम सबको प्रेम भी मिल रहा है, स्नेह भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है। आगे ये प्रेम सहयोग स्नेह बढ़ता जाए, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ूं तो आप सब मेरे साथ हो क्या? पक्का? ये निर्णय मेरा कि आपका? जोर से बोलिए, निर्णय मेरा कि आपका? तो अगर ये निर्णय आपका है तो ये धर्मेंद्रनाथ ठाकुर नहीं लड़ेगा। ये इतने सारे धर्मेंद्रनाथ ठाकुर बैठे हैं,
एक आदमी बोलते हैं ना, पहले जमाने में क्या होता 10,000 हाथी का बल, कितने हाथी का बल, एक बाबा बैठे 20,000 हाथी का बल। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके पास 1,000 लोगों का बल है, किसी के पास 2,000 लोगों का बल है, किसी के पास 5,000 लोगों का बल है कि नहीं। तो जब इतने सारे बलशाली लोग बैठे हैं, 70,000 हिंदी भाषी वोट है, 40,000 45,000 वोटिंग होगा, तो उसमें से 30,000 वोट कैसे मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, कौन लाएगा, कौन लाएगा, आप लोगे तो जीतोगे ना आप। तो मुझे लड़ना है, ये तय है, आज राम मंदिर में ये घोषणा हो जाए। हमारे देखिए, पूज्य गुरु महाराज की तरफ से देखिए, आपके आदेश बताइए। बिल्कुल, हमारा आदेश आशीर्वाद। थोड़ा सा आपके बारे में मैं बता दूं, मैं मधुसूदन द्विवेदी, श्री राम मंदिर ट्रस्ट का मैं महंत और मैनेजिंग ट्रस्टी हूं। आप लोग सब हमारे यहाँ आए हैं, आप सभी का स्वागत है। देखिए क्या है, ऐसा बीजेपी में मैं भी हूं, उत्तर पश्चिम जिला का मैं लीगल सेल का प्रेसिडेंट हूं। देखिए अभी नेता लोग देखिए बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और सरकारी पैसे से भी काम नहीं होता है। अभी जो भाई साहब ने इतनी समस्या बताया है, ऐसा नहीं, नेता चाहते तो सरकारी पैसा भरपूर है उसमें काम होता, लेकिन आप देखिए कि इतने साल से, ऐसा नहीं हमारे ये परिचित हैं, आप लोगों के भी खूब परिचित हैं, आप देखिए कितने साल से महीने में ये 1-2-3 प्रोग्राम करते हैं और सारा प्रोग्राम का पैसा खुद खर्चा करते हैं। कहीं भी किसी को हेल्प की जरूरत हो आप इनसे संपर्क कीजिए, कहीं ना कैसे करके वो हेल्प आपको जरूर करेंगे। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग आते हैं, पंडित जी थोड़ा 2 घंटे के लिए मीटिंग के लिए कर दीजिए, जो है 1 घंटे के लिए कर दीजिए, फिर वो 4 घंटा चलेगा, पंडित जी एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन ये भाई साहब जो है, मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, ये बोलते हैं कि नहीं 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 पंडित जी आप हमको बताइए, जो रहेगा मैं आपको दूंगा वह देते हैं। ऐसा नहीं कहने की बात, मैं सबके सामने इनके नाम से रसीद कटता है। इसलिए आप लोग देखिए कि अभी देखिए जो छतरी का प्रोग्राम हुआ, इसके पहले मुझे तो लगता है कि ये और भाभी जी कितनी मेहनत करते हैं कि हर समय जो है सामाजिक प्रोग्राम हर समय करते रहते हैं, और उसमें कुछ न कुछ जो है लोगों का हेल्प हर समय है। मुझे तो इतना सरप्राइज लगता है कि पैसा तो ये अपना खर्च करते ही हैं, बाकी इतना जो जो मेहनत करते हैं उसके लिए मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपको बीजेपी की तरफ से टिकट मिले ना मिले, हम आपके साथ, हमारी संस्था आपको भरपूर आशीर्वाद देगी और आपको भरपूर वोट मिलेगा। मुझे लगता है कि जो भी आपको पर्सनली एक बार जान लेगा, वो जो है हर पार्टी से हटके वो आपको वोट देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ जरूर है और जरूर आपको टिकट मिलेगा। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, धर्मेंद्रनाथ ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठाकुर जी, आपका जन्मदिन बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाया गया, भारी संख्या में जोगेश्वरी विधानसभा के लोग आए, और धर्मेंद्रनाथ ठाकुर के लिए एक यहाँ से एक आगाज उठा है कि अब की बार जोगेश्वरी से आमदार होंगे धर्मेंद्रनाथ ठाकुर जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को, पहले तो मेरे जो जन्मदिन पर सभी को धन्यवाद। जोगेश्वरी विधानसभा मुंबई में सबसे सही कैंडिडेट जो है वो धर्मेंद्रनाथ ठाकुर, उनसे अच्छा मैं गारंटी के साथ बोलते हैं कोई नहीं है। वो बेचारा 24 घंटा जनता की सुख दुख के बारे में दिन रात सोचते रहता है, यहाँ तक कि रात को सपनों में भी जनता का ही ख्याल आता है, सोए सोए भी बीएमसी का, इसका, उसका, मतलब हर तरह से वो चर्चा, यानी उनका सपना है, उन्होंने बहुत दिन से सपना देखा भी था कि अगर मैं कभी उस लायक बनूंगा तो मैं बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जनता की सेवा करूँ, बस वही मेरा सपना है। और मैं ममता ठाकुर बोलती हूँ कि जोगेश्वरी विधानसभा में इससे अच्छा आमदार कोई नहीं होगा, जो लोकप्रिय है, जनता प्रिय है और जनता के दिलों में। ममता जी, जो यहाँ पे दूर दराज से लोग विधानसभा की बात करें तो भारी संख्या में लोग महिला पुरुष आपको जन्मदिन के लिए बधाई देने के लिए आए हैं, ये जनता जनार्दन के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोगों ने विश किया है?
मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र ठाकुर जी को धन्यवाद दूंगी जो उन्होंने इतना अच्छा आयोजन मेरे लिए रखा। उन्होंने पत्नी तो हूँ ही, साथ में सहयोगी भी हूँ और वो हमेशा मुझे मतलब हमेशा आगे करते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मैं काफ़ी भगवान को थैंक्स बोलती हूँ और जनार्दन को थैंक्स बोलती हूँ कि ये सभी लोग मुझे इतना प्यार दुलार मलार देने के लिए एकत्रित हुए। और सभी यहाँ की समाज बोल रही है और उन्होंने ये भी बोला कि अगर इतने के बाद भी टिकट नहीं मिलता है तो धर्मेंद्र ठाकुर पक्के भाजपाई हैं, पक्के हिंदू हैं, पक्के सनातनी हैं, लेकिन समाज के लिए इनको लड़ना चाहिए और हम लोग इनको लड़ाएंगे और ये लड़ेंगे। जीतेगा जोगेश्वरी, जीतेगा समाज, धर्मेंद्र ठाकुर नहीं पूरा समाज जीतेगा और लड़ाई लड़ने का निश्चय पूरे समाज ने लिया है और मैं मेरे समाज के साथ में हूँ। और जिस तरीके से आपकी धर्मपत्नी जो कि 24 घंटे आपके साथ कंधे से कंधे मिला के समाज सेवा का कार्य करती हैं, ममता ठाकुर जी का जन्मदिन बहुत ही जोश उत्साह के साथ मनाया गया, सबसे पहले क्या शुभकामना देना चाहेंगे ममता ठाकुर जी के लिए? ममता जी दीर्घायु हों, ममता जी स्वस्थ रहें और ममता जी का योगदान हमारे जीवन में और हमारा योगदान ममता जी के जीवन में, इसके लिए कोई शब्द भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसे ही रहें और हम लोग पिछले 10 साल से काम में इतने व्यस्त रहते हैं। मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन 24 तारीख को है जबकि मैं कितनी बार कितने सारे कारणों से 24/8 लिखता हूँ, लेकिन कल शाम तक मुझे नहीं पता था कि इनका जन्मदिन कल है। किसी एक कार्यकर्ता ने मुझे कल 7:30 बोला, फिर मैडम का तो कल जन्मदिन है, अरे वह कल जन्मदिन है तो फिर वहीं पर जन्मदिन रखा जाए, एक दूसरा बैनर लगा दो। तो इतना हम घूम मिल गए हैं और अपने काम में इतना डूब गए हैं सामाजिक और राजनीतिक काम में कि हमको हमारा जन्मदिन और हमारे पत्नी का भी जन्मदिन याद नहीं रहता है। और यही परिणाम इसी का नतीजा है कि आज इतने सारे जनता जनार्दन जो मेरे परिवार के लोग थे, ऐसे तो पूरा जोगेश्वरी पूरा मुंबई हमारा परिवार है, लेकिन हमारे जो परिवार जिस समाज से मैं आता हूँ उसके जो प्रमुख लोग थे उन्होंने एक साथ होकर के कहा कि लड़ेगा धर्मेंद्रनाथ ठाकुर नहीं, इतने आज जितने सारे लोग बैठे हैं सब धर्मेंद्रनाथ ठाकुर बन करके लड़ेंगे और लड़ना चाहिए, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। धर्मेंद्र ठाकुर जी, यहाँ से एक आगाज उठा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी क्या प्रबल दावेदार हैं, लोगों ने मांग भी की है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? लोगों ने मांग ही नहीं की है, लोगों ने मांग की है कि भाजपा को धर्मेंद्रनाथ ठाकुर को टिकट देना चाहिए।